दोस्तों, आप लोगों का स्टेनो मास्टर में स्वागत है। आइए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन ये बोली जा रही है। आप लोग इसे पहले करेंगे, स्टेनो में कर लेंगे, इसके बाद तुरंत टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप लोग इसे मिलाएंगे, ठीक है? चलिए, और जिन लड़कों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप लोग शेयर करिए। मुझे कहना पड़ता है, प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए ना। आप लोग राजस्थान पेपर आने वाले, हाई कोर्ट पेपर आने, आप लोग शेयर करिए, खूब लड़कों को शेयर करिए। ये अगर मुझे पढ़ाते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए इसको, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। महोदय, नौवे वित्त आयोग ने बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा से उपस्थित होने वाली चुनौतियों का प्रबंध करने में राज्य सरकारों की अधिक स्वायत्तता और उत्तरदायित्व को मान्यता देते हुए आपदा राहत कोष के सृजन की सिफारिश की थी। इस आपदा कोष को राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाएगा। आपदा राहत कोष में 75% अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष 25% का अंशदान संबंध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य आपदा राहत कोष के लिए वार्षिक अंशदान 4 त्रैमासिक किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान आपदा राहत कोष के केंद्रीय अंश की 2 त्रैमासिक किस्त सभी राज्यों को दी जा चुकी है। भारत सरकार ने राज्यों के प्रयासों में सहायता करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए तथा उन्हें सहायता देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान वर्ष में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, केरल तथा मध्य प्रदेश को अग्रिम राशि भी निर्मुक्त की है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति पर विचार करते हुए यह
निर्णय किया गया कि वर्तमान आपदा राहत कोष की 2 त्रैमासिक किस्तें निर्मुक्त की जाएंगी। राज्य सरकारों से क्षति का विस्तृत मूल्यांकन तथा निधि की आवश्यकता का उल्लेख करने वाले ज्ञापनों पर विचार करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे योजनागत कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर भी विचार किया जाएगा। ये निधियां राहत व्यय को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा साथ ही तत्कालिक आधार पर पुनर्वास तथा पुनरुद्धार कार्य शुरू करने में संबंध राज्य सरकारों को समर्थ बनाएगी। पैराग्राफ चेंज। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि केंद्रीय सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों में प्रभावित जनसंख्या को हुई कठिनाइयों तथा कष्टों में पूर्ण रूप से हिस्सेदार होगी तथा स्थिति की तत्कालिकता को पूर्ण रूप से संभालने में संबंध राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए सभी संभव कार्य करेगी। माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोपाय करने के मार्ग में मुख्य बाधा है। एक मुक्त राशि उपलब्ध नहीं है। मैंने सिंचाई मंत्रालय को सलाह दी है कि सभी बड़ी तथा अनुपलब्धता बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोपाय करने के मार्ग में मुख्य बाधा है। उन्हें भी यथाशीघ्र पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। जन संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ज्ञापन मणिपुर राज्य ने ही पारित किया है। धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।